हेलो फ्रेंड्स, गौर गोपाल दास जो मोटिवेशनल स्पीकर हैं, उन्होंने एक बुक लिखी है, सीक्रेट्स ऑफ लाइफ। और उस सीक्रेट्स ऑफ लाइफ में उन्होंने 10 गोल्डन रूल्स दिए हैं फॉर लाइफ। तो उसमें जो फर्स्ट गोल्डन रूल है, डू नॉट गिव अप, कि मतलब कभी भी आप किसी चीज़ से, ये नहीं है कि स्टार्टिंग में ही हार मान जाए। आपको अगर ये भी लग रहा है कि मेरा जो टारगेट है, जो आपने गोल फिक्स किया है, उससे जो है आप नहीं उसको अचीव कर पा रहे हैं, तो भी आप लास्ट मोमेंट तक, आप लास्ट सेकंड तक उसके लिए फुल एफर्ट करिए। क्योंकि कई बार क्या होता है कि लास्ट बिल्कुल हम उस बाउंड्री के पास में होते हैं, और उस बाउंड्री के पास में जाके और हम गिव अप कर देते हैं। हमें नहीं पता है कि उस गोल की हमारी बाउंड्री बिल्कुल जस्ट पास में है, और हम वहीं से गिव अप करके वापस हो लेते हैं। तो कभी भी अब देखिए, इस चीज़ के लिए आपको जो है आई कांट डू इट को छोड़ के नेक्स्ट स्टेप पे आई वांट टू डू इट, फिर उसके बाद जब आप वांट टू डू इट पे आ जाएंगे, तो फिर आपको सोचना है कि कैसे इसको किया जा सकता है, हाउ टू डू इट। नेक्स्ट होता है कि आई विल ट्राई टू डू इट, आई कैन डू इट, आई विल डू इट। लास्ट में फिर अगर आप आई विल डू इट पे आ जाते हैं, तो आप उस गोल को अचीव कर सकते हैं। तो इसीलिए कभी भी जो आपका गोल है, जो आपका टारगेट है, उसको बीच में गिव अप मत करिए। लास्ट मोमेंट तक आप बस अपना फुल रिजल्ट्स पे फोकस ना करके और अपना फुल एफर्ट उस पे दीजिए। क्योंकि जैसे देखिए, भगवत गीता में भी लिखा है कि आप जो है कर्म करते जाइए, फल की चिंता मत कीजिए। तो लास्ट मोमेंट तक आप जो है अपने गोल के लिए, अपने टारगेट के लिए बस फाइट करिए। नेक्स्ट जो है लर्न टू रिस्पॉन्ड, मतलब जैसे आपको ये सीखना है कि कोई भी जब सिचुएशन होती है, तो उसमें आपको रिएक्ट नहीं करना है। रिएक्ट में क्या होता है कि हम अचानक से ब्रस्ट कर जाते हैं, हम गुस्सा हो जाते हैं, उस चीज़ पे सोचते नहीं हैं। और मतलब इसका मतलब हमारा जो इमोशंस है इज़ अंडर द कंट्रोल ऑफ अदर पीपल, दूसरे लोग उसको कंट्रोल कर रहे हैं। इसलिए कभी भी आपको कोई भी सिचुएशन है, उसमें रिएक्ट नहीं करना है। आपको कूल माइंड से सोचना है कि किस तरीके से इसको हैंडल किया जा सकता है, और आपको साइलेंटली उसके लिए रिस्पॉन्ड करना है। नेक्स्ट है डोंट, ये थर्ड जो गोल्डन रूल है, डोंट लिव द लाइफ ऑफ आई। कभी भी जब आप जो है आई की लाइफ जब जीते हैं, तो आप कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकते। तो देखिए, इसमें जो मैंने ये फोटो लगा रखी है, ये चक दे मूवी की लगा रखी है। आपने इसमें देखा हो कि इस टीम में 2 प्लेयर्स थी, और स्टार्टिंग में बस उनमें ये रहता था कि मुझे अपना गोल, मुझे अपने गोल मारने हैं, और वो एक दूसरे को पास नहीं देते थे, जिसकी वजह से कभी भी उनके गोल नहीं लग पाते थे। और लास्ट मोमेंट में जब वो वी वाली स्प्रिट में आ गए दोनों लोग, तो देखिए टीम जो है जीत गई। और पहले स्टेज में टीम जो है हार जाती थी, हार गई थी सिर्फ इस वजह से क्योंकि दोनों में ये था कि मुझे खुद गोल मारना है। तो मतलब आपको जो है कभी भी ये आई वाली, आपको आई से वी पे, एक फैमिली में है, एक सोसाइटी में है, या आपके जो प्रोफेशनल वर्क है, उसमें कभी भी आपको आई वाली सिचुएशन में नहीं रहना है। ग्रो थ्रू द लाइफ, मतलब आपको डोंट थ्रू द लाइफ, यू हैव टू ग्रो थ्रू द लाइफ। जीवन में आपको धीरे धीरे ग्रो करना है। देखिए, हार्डशिप्स, प्रॉब्लम सबकी लाइफ में आती हैं, बट आप उन प्रॉब्लम्स, लाइफ में जो स्ट्रगल्स हैं, उनसे सीख के आपको इम्प्रूव करना है, उनसे टूट नहीं जाना है, आपको उसी से ग्रो करना है, उन्हीं चीज़ों से नई चीज़ें लर्न करके। जैसे एक, जब आप सीड को डालते हैं, तो देखिए बहुत सारी सीड को आप प्लांट लगाने के लिए आपने ज़मीन में डाला, तो उसके ऊपर बहुत सारी मिट्टी हो, स्लोली स्लोली जब वो अपना मूवमेंट स्टार्ट करता है, तो देखिए इतनी हार्ड मिट्टी से भी वो बाहर आ जाता है, और वो कितना सॉफ्ट होता है। तो आप अगर कंटिन्यूअसली किसी चीज़ के लिए एफर्ट करेंगे, तो चाहे प्रॉब्लम्स कितनी भी ज़्यादा मुश्किल है, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल है, तो भी आप उन सारी स्ट्रगल से फाइट करके, एक प्लांट के जैसे, जैसे प्लांट जमीन से निकल के आता है, सेम वे में आप जो है उन स्ट्रगल से निकल के और बहुत ज़्यादा स्ट्रांग और मजबूत बन सकते हैं। जैसे एक ट्री बन जाता है, बाद में के सामने ट्री की जितनी स्ट्रांगनेस है, उसके सामने मिट्टी की स्ट्रांगनेस कुछ नहीं है। और
स्टार्टिंग में सोचिए, उसी मिट्टी से वो निकल के, उसी से वो फाइट करके और निकल के आता है उस स्टेज में, वो इतना सॉफ्ट होता है। और जो एक मतलब प्लांट का जो है अंकुर जो निकलता है वो इतना सॉफ्ट होता है, फिर भी वो हार्ड मिट्टी से जो है स्ट्रगल करके बाहर निकल के आता है। देखिए आपके एनवायरनमेंट में आप कहीं भी रहते हैं, नेक्स्ट जो गोल्डन रूल है, फोकस ऑन द गुड ऑब्लिक पॉजिटिव। वहाँ पे नेगेटिव थिंग्स भी होती है, पॉजिटिव थिंग्स भी होती है, तो आपको कभी भी नेगेटिव थिंग्स को आपको नहीं देख रहे हैं, आपको पॉजिटिव पे, सिर्फ आप अपनी लाइफ को पॉजिटिव करना चाहते हैं, आप अपना डेवलपमेंट करना चाहते हैं, तो आपको सिर्फ पॉजिटिव थिंग्स पे फोकस करना है। नेक्स्ट है लिव ए बैलेंस लाइफ। ये नहीं है कि आपसे एक चीज़ पे आप पैसे के पीछे भाग रहे हैं जिसकी वजह से आपकी जो है मेंटल और फिजिकल हेल्थ बेकार हो रही है। आपको एक बैलेंस लाइफ जीनी है जिसमें आपकी फैमिली, आपका कैरियर, आपकी हेल्थ, आपके फ्रेंड्स, इन सब के बीच में हार्मनी एक बिठानी है और उसी बैलेंस लाइफ आपको जीनी है। अगर आपकी लाइफ में ये बहुत सारे पैरामीटर्स हैं, जैसे ये सारे पैरामीटर्स हैं, फिजिकल, कम्युनिटी, स्पिरिचुअल, फैमिली, सोशल, मेंटल, फाइनेंशियल, प्रोफेशनल, इन सबको आपको बैलेंस करके चलना है, तभी आपकी लाइफ बैलेंस रहेगी। आपको सिर्फ एक मीटर के पीछे कभी नहीं दौड़ना है, नहीं तो आपका वो अदर किसी एरिया में वो चीज़ अफेक्ट करेगी। नेक्स्ट है फेस योर फियर्स। देखिए जब भी हम कोई काम करना चाहते हैं, पहला जो सबसे बड़ी मुश्किल काम होता है कि खुद के जो अंदर के फियर्स होते हैं उसको निकालना। जैसे मान लीजिए आपको एक स्पीच देना है, तो आपको फियर है कि अंदर से कि नहीं मैं तो घबराने लगूंगा, या मैं जो है मेरी इंसल्ट हो जाएगी, या मैं अच्छे से स्पीच नहीं दे पाऊंगा, तो सब वो ही सबसे मुश्किल होता है। क्योंकि हम बाहर तो लोगों से लड़ सकते हैं, बट अपने खुद के इंटरनल फियर से लड़ना सबसे मुश्किल होता है। तो आपके अपने फियर्स जो है अंदर से, उन सबको, उनसे फाइट का और उनसे उभर के बाहर आना है, तभी आप जो है कुछ अचीवमेंट्स कर पाएंगे। नेक्स्ट गोल्डन रूल क्या कहता है, डोंट वरी। कभी भी आप किसी चीज़ की, किसी भी सिचुएशन में, किसी भी है, कभी भी आप टेंशन मत लीजिए। तो देखिए इसका एक सिंपल सा चार्ट है, तो इस सिंपल से चार्ट में सबसे पहले जो सोर्स नोड है इसका, वो कहता है डू यू हैव ए प्रॉब्लम इन लाइफ, अगर देन वाई टू वरी। अगर आपके पास कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये एरो मार के दिया कि कोई वरी नहीं। अगर आपके पास में प्रॉब्लम्स है, डू समथिंग फॉर इट, अगर आप कर सकते हैं, यस है, देन वाई। और अगर आप कुछ नहीं कर सकते, आपकी लाइफ में प्रॉब्लम है, आप कुछ नहीं कर सकते, फिर क्यों वरी करना। तो मतलब हर एक सिचुएशन ये कहती है कि आप किसी भी तरीके से आपकी जो प्रॉब्लम है लाइफ में, चाहे प्रॉब्लम है जिसको आप सोल्व कर सकते हैं, तो फिर आपको क्यों वरी करना है। अगर मान लीजिए आपकी लाइफ में उस प्रॉब्लम को सोल्व नहीं कर सकते, फिर क्यों वरी करना है। तो हमेशा कभी भी आपको किसी भी सिचुएशन में वरी नहीं करना है। नेक्स्ट गोल्डन रूल क्या होता है, चूज हाउ यू लिव योर लाइफ। कभी भी दूसरे को देख के कि अच्छा उसके पास उसकी लाइफ ऐसी है, मुझे उसकी लाइफ, कभी भी भगवान ने देखी सब इंसानों को डिफरेंट बनाया है, तो हम लोगों की जो पर्सनल लाइफ है वो डिफरेंट है, तो किसी दूसरे को एक रोल मॉडल मान के कभी उसको, सिर्फ उसके पाथ पे आप मत चलिए। आप अपना एक नया पाथ, हो सकता है जो पाथ आप सर्च करें वो उसके बारे में किसी ने सोचा ही नहीं हो, और वो पाथ ज्यादा बेटर हो जो पाथ किसी आप जैसे फॉलो कर। जैसे देखिए इसमें एक सिंपल सी ये पिक्चर है, इसमें दे रखा है ये सेकंड वाला बंदा अगर फर्स्ट वाले को फॉलो करेगा, तो उसने जितने भी फ्लावर्स हैं वो, क्योंकि वो ऑलरेडी कलेक्ट कर चुका है, तो उसको रास्ते में कुछ नहीं मिलेगा। अगर ये अपना कोई अपना खुद का कोई इन्वेंट करता है, अदर डायरेक्शंस में जाता है, तो उसको बहुत सारे फ्लावर्स मिलेंगे। तो देखिए सेम वे में कि जैसे आज के टाइम में क्या चल रहा है, कि हमें अपने बच्चे को नहीं डॉक्टर ही बनाना है, इंजीनियर ही बनाना है, सारे के सारे पेरेंट्स एक ही डायरेक्शन में पुश कर रहे हैं, और बहुत सारी डायरेक्शन है जो अनएक्सप्लोर्ड है, जिसमें बहुत अच्छा नेम, फेम और पैसा, सारी चीज़ें जो एक इंसान चाहता है वो सब चीज़ें हैं, वो अनएक्सप्लोर्ड एरिया है, और जिसमें आपको एफर्ट भी करना है, आपके बिल्कुल नियरेस्ट उसमें है कि आप एक आर्टिस्ट बन गए, आप स्पोर्ट्स में जा सकते हैं, आप जो है आर्टिस्ट में भी म्यूजिक और आर्ट ड्राइंग टाइप का, या आप पेंटर अच्छे बन सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो अनएक्सप्लोर्ड है और जिसमें बहुत सारा काम किया जा सकता है।
नेक्स्ट जो गोल्डन रूल कहता है, टेल ग्रेट स्टोरीज, कि आपको जो है दूसरों को भी, आप मान लीजिए कहीं पे लीडर है, आप लीड कर रहे हैं एक टीम को, तो आप उनको अच्छी कुछ स्टोरीज बताइए, मोटिवेशनल स्टोरीज बताइए, या अपने खुद को भी आप जो है मोटिवेशनल स्टोरीज, लोगों की सक्सेस स्टोरीज आप रीड करिए। जब आप वो चीज़ें रीड करेंगे तो धीरे धीरे वो चीज़ें आपके अंदर, आपके अनकॉन्शियस माइंड में जाती जाएगी, और वो चीज़ें आपको इंटरनली धीरे धीरे स्ट्रांग बनाती जाएगी, और आप मेंटली बहुत स्ट्रांग बन जाएंगे, और उसी तरीके की चीज़ें आप भी, उसी तरीके के आप भी हायर गोल सेट करने लगेंगे, और आप भी उसी तरीके की डायरेक्शन में जाने लगेंगे। थैंक्स फ्रेंड्स, और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो और तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और मेरे इस वीडियो को लाइक करें। अगर आपके कुछ व्यूज़ हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर दे। और ये जो है 10 गोल्डन्स रूल है फ्रॉम द बुक सीक्रेट्स ऑफ लाइफ, जो गौर गोपाल दास जी जो मोटिवेशनल स्पीकर हैं, ये इस्कॉन टेंपल मुंबई में हैं, और इनकी बुक, अगर आपको चांस मिले तो इनकी बुक भी जरूर पढ़िएगा, बहुत अच्छी है। थैंक्स फ्रेंड्स, थैंक्स अ लॉट।